रिंगो फायर जिसने यंग ऑथर अवार्ड में फर्स्ट पोजीशन लिया है, आज मैं आपको बताऊंगी मैं क्या थी और अब मैं क्या हूँ। फर्स्ट ना मैं बस बिल्कुल कॉन्फिडेंस जरा भी नहीं होता, जैसे रोमले से बच्चे होते हैं मैं वैसी थी। ले मतलब हर कोई मेरा मजाक उड़ाता था और जब मैं कहानियां लिखती थी वो लोग ऐसे कहते थे कि भाई क्या लिखती रहती हो, चिढ़ते थे और मजाक उड़ाते थे। मुझे बुरा लगता था लेकिन मैं चुप कर जाती थी और रोने लग जाती थी। लेकिन अब मैंने टीचर को दो चार कहानियां लिख के दिखाई, टीचर को पसंद आई, फिर टीचर ने मुझे कहा आप लिख सकती हो। फिर ये इदारे तालीम आगाही वाले हमारे स्कूल में आए, उन्होंने कहा, तो टीचर को इस गेम का पता चला, टीचर ने कहा मेहरीन बेटा आप लिख सकती हो, आप लिखो। तो जब मैंने लिखी तो मुझे इतनी खुशी हुई, मेरी कहानी इतनी ज़्यादा पसंद की गई कि मैं फर्स्ट टाइम पूरे पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम मेरी खुशी देखने के काबिल थी। ओह माय गॉड। और फिर जब मेरी मम्मा पापा को पता चला वो लोग तो इतने ज़्यादा खुश हुए, इतने ज़्यादा। मेरे बाबा जिनसे मैं इतना ज़्यादा डरती थी, बाबा ने मुझे गले लगा कर, बाबा भी रो रहे थे, मतलब इतनी ज़्यादा खुशी थी। और मैं ये यंग ऑथर अवार्ड या इदारे तालीम आगाही की इतनी ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म मुहैया किया, जिन्होंने मेरे टैलेंट को आगे बढ़ाया, जिन्होंने मुझे कहा कि आप लिख सकती हो, आप में टैलेंट है। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया। फिर CLF वालों ने मेरी 3 महीने की जो मेंटरशिप की उससे मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिला और मैं इतनी ज़्यादा इंकरेज हुई कि अब मेरे दिल खुद करता है। पहले मतलब जब लोग मुझे इग्नोर करते थे तब मैंने खुद ही मतलब कुछ लिखी हुई मैंने फाड़ के फेंक दी थी, इतना ज़्यादा मतलब रोती थी, ये होता था कि भाई मेरी मेहनत जो थी पसंद नहीं की जाती। लेकिन अब जब 3 महीने के बाद मुझे पता चला मैं लिख सकती हूँ, मेरे अंदर ये टैलेंट है और अब लोग मुझे इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, जहाँ जाओ कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाता, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई अब मेरी इतनी इज्जत है। और टीचर्स वगैरह ये भी अब मेरे साथ बहुत अच्छा करती हैं, जो बच्चियाँ मेरा मजाक उड़ाती थी अब तो मेरे पीछे पीछे होती हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। थैंक यू। जो मैम रुमाना हुसैन ने मेरी 3 मंथ की मेंटोरिंग की, तो मतलब अब मैं उसके बाद इतनी ज़्यादा काबिल हो गई हूँ कि अब मैं नेक्स्ट अब ये रोशनी मैगजीन के लिए कहानियाँ लिख रही हूँ। अब मैं ऐसी कहानियाँ लिखती हूँ, मुझे ऐसी कहानियाँ लिखने का शौक है जो बच्चे पढ़ें और कुछ नतीजा हासिल कर सकें, कुछ सीख सकें, तो इसलिए मैं ऐसी कहानियाँ लिखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं महरीन की वालदा हूँ और हमारे हालात कुछ ऐसे थे कि मुझे परेशानी हो रही थी बच्चों को पढ़ाने में, और शुक्र अल्लाह का आहिस्ता आहिस्ता हम एस्टेब्लिश हो रहे हैं। अब इंशाल्लाह महरीन जो है ये कुछ दिन बहुत ही पीछे रह जाती थी, हर वक्त रोना धोना परेशानी करती थी, स्कूल में भी टेंशन देती थी। अब जाके कुछ बेहतर हुई है जब से इसने अवार्ड लिया है, ये तो आप लोगों की मेहरबानी है कि महरीन को जहाँ तक आपने पहुँचाया है। मैं टीचरों का शुक्रिया अदा करती हूँ, आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमारी इनकम सोर्सेज इस वजह से हमारे थोड़े से बेहतर हुए हैं। अब इंशाल्लाह आगे भी आप मेहरबानी करके इसके साथ रहें और मैं भी कोशिश करूँगी इस बच्ची को आगे इस्टेब्लिश करने की। और मेरी बच्ची शुरू में थोड़ी सी डरी सहमी खौफ ज़दा रहती थी, पीछे पीछे रहती थी, लिखती रहती थी, कभी कुछ बनाती रहती थी तस्वीरें वगैरह। अब जाके मुझे पता चला है कि मेरी बच्ची की बेटी के अंदर तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस था, लिखने का एक अच्छा वो था, यहाँ तक मेरी बच्ची पहुँच आई है। आप भी मेहरबानी कीजिएगा, यहाँ मेरी बच्ची के साथ रहिए। हमारे इनकम सोर्सेज इतने नहीं थे जिसकी वजह से बच्चे आगे पढ़ते, तो अब ये जो महरीन को इनाम मिला है उसकी वजह से हम कुछ स्टेब्लिश हो जाएंगे इंशाल्लाह। और महरीन का जो ख्वाब है इंशाल्लाह इन पैसों से हम पूरा करेंगे। वो डॉक्टर बनना चाहती है, कोशिश करेंगे इन पैसों से। पहले भी कुछ बच्ची को वजीफे वगैरह मिले हैं तो वो भी हमने पढ़ाई पे लगाए हैं, अब भी इंशाल्लाह इसको भी हम इसके पढ़ाई के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। अब बच्ची को कुछ चीज़ों की ज़रूरत है तो वो भी बच्ची को लेके देंगे। आप दुआ करें कि मेरी बच्ची डॉक्टर है तो डॉक्टर ही बने। हम जितने भी इसके पैसे हैं या जो चीज़ भी है इसी के पे इस्तेमाल करेंगे। आज इंटरनेशनल गर्ल्स डे पे मैं अपने जैसी तमाम लड़कियों को कहती हूँ कि वो डरे नहीं, आगे बढ़ें, हिम्मत करें, हौसला करें, हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर इतनी हिम्मत है और हमें करना भी चाहिए। आप मुझे ही देख लें,
मैं पहले बड़ी डरी सहमी रहती थी, बड़ा मुझमें कॉन्फिडेंस में नहीं होता था। हालांकि मैं टीचर से बात करते हुए भी रो पड़ती थी, लेकिन आज मुझमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं हर काम कर सकती हूँ।